दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुकंदर के बेहतरीन फायदों के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद या फिर अगर आपके अंदर स्टेमिना की कमी है या आपके अंदर बॉडी मसल्स रिलैक्स करवाना है जल्दी से जैसे एक्सरसाइज के बाद, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा जूस सबसे बेहतर कारगर और सटीक साबित हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। और ये वीडियो होगा चुकंदर के जूस के बारे में। ना सिर्फ आपको कुछ चीजों को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है दोस्तों, बल्कि आपको अनेकों तरह की बीमारियों से भी निजात पाने में इसका काफी हद तक सहायता ली जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं असरदार नुस्खे, और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आपको हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि जूस नहीं भी पीना चाहिए। लेकिन एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च हुआ है, और उसी रिसर्च में सामने आया है कि इससे चुकंदर के जूस को पीने से सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों फायदे हैं, जिसमें से कुछ बेहतरीन फायदों को मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंग्लैंड के एक स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो चुकंदर के जूस पीने से मांसपेशियों को किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ की तुलना में तेजी से ठीक होने में सहायता मिलता है। समूह के अंदर यानी जिस ग्रुप के अंदर जिस पर रिसर्च किया गया उस पर जिसके अंदर चुकंदर की जूस की खुराक सबसे ज्यादा थी, वो सबसे तेजी से अपने आप को रिकवर कर पाए थे। और चुकंदर के रस में चूंकि नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसकी वजह से तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में, सूजन को कम करने में ये आपका हेल्प करता है। तो कहने का मतलब यहां पे साफ है कि अगर आप एक्सरसाइज वाले बंदे हैं और आपको चोट लगता है या मांसपेशियों में खिंचाव बार बार होता है और उसको आप रिकवर करना चाहते हैं, तो ऐसे में चुकंदर का जूस जो है किसी भी अन्य जूस से सबसे बेहतरीन और कारगर साबित हो सकता है। लेकिन इसके बाद ही बात करेंगे कुछ बीमारियों की, और ये है बीपी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं, तो ऐसे में चुकंदर का जूस जो है वो आपको कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि ये लेने की जो कैपेसिटी है यानी कि जो मात्रा है वो है 250 ml यानी कि 8 ounce। इससे ज्यादा आपको जूस नहीं लेना है। डेली आपको 250 ml या 8 ounce जूस अगर आप लेते हैं तो ये जो है आपको बीपी को कंट्रोल करने में सहायता कर सकती है, लोअर डाउन करने में सहायता कर सकती है, अगर आप हाई बीपी के परेशानी से गुजर रहे हैं या जा रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ब्लड की कमी यानी शरीर के अंदर आयरन की कमी। अक्सर आपने देखा होगा कि आमूनन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती है, उनके अंदर आयरन की कमी होती है, खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी के लिए बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रकृति के अंदर ये जो चुकंदर का जूस है ये शरीर के अंदर खून को बढ़ाने में आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकता है। इसमें रिसर्च में देखा गया है कि जिन लोगों को खून की कमी है उनको ये जो जूस है उसको दिया गया और उनके अंदर बहुत ही तेजी से आयरन की मात्रा जो है वो बढ़ी। अब बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर स्टेमिना। दोस्तों ये सिर्फ अभी हमने बताया कि ये रिसर्च इंग्लैंड के रिसर्च के हिसाब से ये जो है आपकी मांसपेशियों को सूजन को रिकवर करता है, लेकिन आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर आप लेते हैं तो ये आपकी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है, स्टेमिना को भी बढ़ा सकता है। आमूनन देखा गया है कि अगर आप 2 cup डेली चुकंदर का रस पीते हैं और जिस डिस्टेंस को आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को मान लीजिए आप उसको 1 घंटे में तय करते हैं, तो इसके जूस को पीने से आपको 12 सेकंड का सुधार जो है वो हो सकता है। यानी कि ये ना सिर्फ आपके मसल्स को रिलैक्स करवाने में हेल्प करेगा बल्कि आपकी स्टेमिना को भी बढ़ाने में काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वजन को मेंटेन करने के बारे में। दोस्तों अक्सर फैट या बसा जो होती है उसके प्रॉब्लम से लोग गुजरते रहते हैं, ऐसे में अगर आप चुकंदर के जूस को लेना शुरू कर देते हैं, 200 ग्राम डेली लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जो है आपके वजन को भी, हेल्दी वेट को भी मेंटेन करके रख सकता है। और सबसे खास चीज है दोस्तों कैंसर का प्रतिरोधक क्षमता का गुण होना, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और इसके वजह से आप शरीर के अंदर अगर कैंसर से रिलेटेड कोशिकाएं होती हैं या जन्म लेती हैं
तो ये जो चुकंदर का जूस है वो उसे मार देता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर फिर से कैंसर तरह की चीजों को या कैंसर जैसी बीमारियों को होने से रोकता है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या ये कैंसर को रोकता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। जी हां, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि आपके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से लोग हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो काफी एक्सरसाइज किया करते थे वो भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो चुकी है। ताजा तरीन एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सिद्धार्थ शुक्ला की बात आप जान सकते हैं। बॉडी देख के आपको लगता होगा कि वो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता होगा, बिल्कुल करता होगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर हो, यानी एचडीएल जो है वो काफी ज्यादा हो और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफी कम हो, तो इसके लिए भी आपको चुकंदर के जूस को अपने डाइट के अंदर शामिल करना होगा। ये मैं नहीं बल्कि 2011 में एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया था कि चुकंदर का जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल को जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इसके बाद दोस्तों सातवां जो ट्रिक्स है वो है पोटेशियम। बॉडी के अंदर पोटेशियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये नसों और मांसपेशियों के अंदर बहुत तेजी से काम करता है। तो अगर आप चुकंदर को एक पोटेशियम के स्रोत के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जूस है ये आपके लिए काफी सेहतमंद साबित हो सकता है। एक निश्चित मात्रा में अगर डेली आप इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करने में, यानी कि मेंटेन करने में काफी हद तक फायदा करता है। इसके बाद आती है मिनरल्स। बॉडी के अंदर मिनरल्स के होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे आयरन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कार्बन, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की जरूरत आपके बॉडी के अंदर होती है। और ये सारे कोई सारी चीजें जो है वो आपको फुलफिल कर सकता है एक जूस जो डेली आपको यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको बनाने का तरीका क्या है, कि कैसे आप इस जूस को बना सकते हैं। तो दो मीडियम साइज चुकंदर को आपको लेना है, उसे छीलकर टुकड़ों में काटना है। इसके अलावा 1 इंच ताजा अदरक लेना है और थोड़ा सा पानी में मिलाकर इसे ब्लेंड करना है, और इसमें नमक, नींबू और हल्की काली मिर्च मिला करके आप इसको पी सकते हैं। ये कुछ टिप्स थी जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती थी चुकंदर के जूस के बारे में। सो अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप इस सेशन में इसको लीजिए और ट्राई कीजिए, देखिए कि इससे कितना बेहतरीन फायदा हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नापिशोर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।